माई गॉड अक्षत, यू शुड हेल के लिए स्लैमिन यहाँ पर आता है, फियर्स को वहाँ पर निकाल देगा, लेकिन ये स्लैमिन एमजे अपने आप कहीं और कर रहा है, लेकिन फिलहाल कहीं नियो के ऊपर बिटर भराएगा गाड़ी से बचते हुए। गॉड लाइक जोनाथन का डोमिनेशन फिलहाल तो चल ही रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं, तीन फ्रैग्स आ चुके हैं टीम एक्स पार्क बट जोनाथन के सामने से निकलना इतना आसान नहीं। यहाँ पे एक चिकन डिनर आता हुआ सोल नजर आती हुई, ये लाइट हाउस का एरिया पकड़ा हुआ है और एंटिटी सीक्रेट गिर के हुए नो फ्लैंक, ओमेगा का फ्लैंक खतरा हो सकता है टीम एंटिटी के लिए, बट लेट्स सी जा रहे हैं सीक्रेट को कंफर्म करने के लिए, क्या इन्हें पता है जी हां फ्रैग मिल जाएगा, लेकिन नहीं नियो ने कहा नहीं 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 कप्तान साहब आपको हम फ्रैग नहीं लेने देंगे हम, बट अभी के लिए जो बैटल है नियो का बच पाना शायद काफी मुश्किल नजर आएगा, उनके ऊपर मल्टीपल स्प्रे देखने को मिलते नजर आएंगे, बट जैसे करके उस छोटे शैक भी थी, बस उनको एंट्री करनी थी, बट अब लग रहा है यहाँ पर ये टैकल क्योंकि एक नहीं दो दो प्लेयर्स वहां पर टीम फोर के नॉकआउट होते नजर आ रहे हैं। जायद इस चीज की न्यूज, इस चीज की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है टीम सेवन सी के पास, यानी टीम अलादीन के पास, और अब एक एक करके प्लेयर्स जो यहाँ रसाई हो रहे हैं, ओमेगा भी जरूर सोच रहे कि आप अपने आप को बचा के रखें, नॉकआउट करते रहेंगे तो कैसी आवाज चलेगी, और अभी के लिए ओमेगा के ऊपर भी अगर मान लीजिए कुछ ट्रबल्स आ गया तो बचना काफी मुश्किल आ तो जरूर चुके, लेकिन क्या टीम सोल कर पाएगी इस बैटल को मुश्किल मुझे नजर आया, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीसरे खिलाड़ी भी यहां पर उनके ऊपर आते नजर आएंगे, एंड ओमेगा स्टिल इज फाइटिंग हिज बेस्ट, क्या निकाल पाएंगे आखिरी स्प्रे पे, कोशिश काफी अच्छी थी लेकिन वो गन स्विच पे वहां पर फंसते नजर आए, कोशिश काफी अच्छी थी कमेंट्री, बट अभी के लिए सामने से अगर बात करें यहाँ पर फिर से टीम अलादीन की फाइट हमें देखने को मिलती नजर आएगी, इस बार सामने टारगेट रहेगा टीम कैमरी स्पोर्ट्स, क्या एक और टीम का वाइपआउट देखने में, जी हाँ अलादीन बहुत ही गजब खेल रही है, वेक्सी भले ही डाउन हो चुके हैं लेकिन एमजे का ग्रेनेड सोमराज को टेक डाउन करता हुआ, एमजे का ग्रेनेड अपनी टीम के लिए फ्रैग निकालता हुआ और बचा खुचा काम करते हुए सेंस आगमन देखने को मिलता नजर आएगा, बैक टू बैक सैंडविच सिचुएशन में शायद बन सकती है, लेकिन जोनाथन ने इस चीज को भापा, रिफ्लेक्स के साथ वहां पर नॉकआउट निकाला, और शायद मेरे ख्याल से टीम न्यूमन स्पोर्ट्स है, न्यूमन गेमिंग के खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर इनसेन, भले ही निक्सन डाउन हो चुके हैं, आई वांट टू नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन बताइए निक्सन नियो है या क्लच गॉड है, फिलहाल के लिए हम कंसीडर करेंगे इट इज क्लच गॉड, यहाँ पे पूछ आता है रेवरेंट ईस्पोर्ट्स के फियर्स नॉक निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रिंस की गाड़ी उड़ाती हुई फियर्स को, सेंसे और एमजे दो खिलाड़ी बचे हुए हैं और अब धीरे धीरे क्लोज इन करना चाहते हैं, दे नो टीम प्रॉब्लम में आ चुकी है, सेंसे लो एचपी पे है और फियर्स भी एलिमिनेट होते हुए, सेंसे भी नॉक हो चुके हैं, धीरे धीरे सेंसे की तरफ आते हुए सेंसे एमजे की तरफ जा रहे हैं, रिवाइवल हो जाएगा तीन खिलाड़ी, ओ माय गॉड सेंसे का कंफर्मेशन आता हुआ, गुजरात टाइगर्स का स्क्वाड गाड़ी घुमा रहा है बट For the lack of cover, MJ gets eliminated as well and Gujarat Tigers. हाँ नहीं तो शायद वो velocity हो सकता है. Punk अभी के लिए तीन finishes के साथ अभी आपको नजर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर ये भगदड़ में कौन सी टीम बाजी मारेगी? दूसरी तरफ से टीम 8 bit की बात की जाए, दो frags उनके भी यहाँ पर कहीं निकल ना जाए. वापस से अपने चारों खिलाड़ियों के साथ जीवित नजर आ रही हमें यहाँ पर. 8 bit का squad सामने है. सुनामी पेड़ के पीछे 20 prone है. और जीटी सुनामी डाउन होते हुए 8 बिट माइटी का ये मॉली कमाल करता हुआ, जूसी भी जाएंगे, एजे को शट डाउन करेंगे, 8 बिट का स्क्वाड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 8 फ्रैग्स इन द पॉकेट, टॉप 5 में अपनी जगह बना लिया और यहाँ पे चिकन डिनर के काफी नजदीक आखिरी 10 खिलाड़ी बचे हुए हैं, टीम काउंट भले ही ज्यादा हो लेकिन मैन काउंट 8 बिट के पास और सामने WSB का स्क्वाड नजर, WSB को है जो अभी के लिए अपने आप को तीसरे चार्ट पे पा रही है, लेकिन चाहते आते यहाँ पर ओके नॉकआउट खुद वहां पर हो चुके हैं यहाँ पर और खत्म भी हो जाएंगे आखिरी बैटल यहाँ पर, बट माइटी ये तो डिस्ट्रैक्शन था यहाँ पर विक्सी की तरफ से कुछ चल के यहाँ पर डाल दिया जाएगा, लेकिन जहां पर टीम के पास चारों खिलाड़ी जीवित थे ये कॉन्फिडेंस निकाल के जाएगी टीम WSB, अच्छा खेला लेकिन कूडोस टू द टीम WSB, शॉट यहाँ पे लेने की कोशिश करी जाएगी, देखते हैं किस तरीके से ये फाइट होता है, ओमेगा के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे आधी शॉट दे रहे हैं लेकिन शॉट की कनेक्शन नहीं मिल पा रही है, ओमेगा थोड़ा सा सेफ नजर आते हुए बट फिलहाल के लिए टीम एक्स पार्क ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स थोड़ी सी अनसेफ है, एक नहीं दो नहीं तीन फ्रैग्स आ चुके हैं टीम एक्स पार्क के खाते में, बी इन्हीं लॉबीज में हमें खेलते हुए देखने को मिल जाए सुपरस्टार बनने का मौका मिले, बट नॉकआउट है रिवाइवल की वहां पे आवश्यकता पड़ने वाली, बट ये जो ग्रेनेड था इस पावर की तरफ से डार्क लॉर्ड के मुश्किलें बढ़ाएगी, तीन फिनिशेस जरूर से निकाले, प्रिंस गुजरात टाइगर्स के प्रिंस ने अपने लिए फ्रैग निकाला है, कंफर्मेशन आएगा या नहीं लेकिन यहाँ पे ओमेगा जरूर जाएंगे क्लोज इन करेंगे, स्पॉट किया गया है, गाड़ी फोड़ना चाहते हैं कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच कॉब्लिन भी डाउन होते हुए ओमेगा विल बी द थर्ड गाय
टू गेट द नॉक फ्रॉम द साइड ऑफ टीम सोल। हेक्टर और नियो दोनों के दोनों खिलाड़ी उठ चुके हैं। हेक्टर क्या बचा पाएंगे गॉब्लिन को? नहीं, एस्पावर ने पुकार को कंफर्म कर दिया है, ये एक खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी है चाहे अकेला ही क्यों ना हो फ्रैग्स निकाल के ही मानेगा। देखें कितना था नुकसान, क्योंकि थर्ड पार्टी भी यहाँ पे आ चुका है और ये जो थर्ड पार्टी था आदित्य को कंफर्म कर देगा। एजे क्या वहाँ पे कुछ अच्छे वैल्यूज भी निकाल सकते हैं? लग तो रहा है चांसेस काफी ज्यादा हाई न्यूमैन के। अभी को वहाँ पे बात करें तो जो उसे डाउन किया जा चुका है, प्लेयर टू भी आएंगे न्यूमैन के, रेक्स को वहाँ पे मुश्किल में डालेंगे, इनसीन के आदि प्लेयर वन को लॉक करेंगे, बट अब प्लेयर टू जो आखिरी खिलाड़ी थे जैसे उनको भी इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। काफी अच्छा ट्राई था लेकिन विद टू प्लेस अलाइव गुजरात टाइगर्स के ऊपर झटका दिया, एगी को डाउन तो किया था लेकिन फ्रैग लेने वाले बने नूमन गिल। बिल्कुल काफी जल्दी यहाँ पे अब छह टीमों के बीच में मुकाबला बचा हुआ है। प्रिंस की तरफ से हेक्टर को डाउन किया जाएगा लेकिन हेक्टर जाएंगे सुनामी को वहाँ पे मुश्किल में डालेंगे, बट नियो ये जैसे ही निकलेंगे चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बट बेहतर करने से पहले ही सारे ही खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट उसके बाद वीडियो की बात करें, एजे को डाउन कर चुके हैं, क्या कन्फर्म भी वहाँ पे करने का वक्त मिल जाएगा नियो को? ये एक जरूर से देखने वाली बात रहने वाली। प्रिंस की बात करें पीछे सारे, प्रिंस को डैमेज काफी ज्यादा दिया गया गुजरात टाइगर इस मैच से बाहर। लेकिन अब जो आखिरी बैटल है ये सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि नियो अकेले खिलाड़ी बचे। शॉट्स आए, देयर वी गो, नियो आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। गॉड्स रेन नजर आती हुई धीरे धीरे बढ़ तो रहे रॉबिन की तरफ और निंजा जॉर्ड भी फिनिश, ब्लेज भी फिनिश, आखिरी प्लेयर रॉबिन। इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन, प्लेयर वन विद अ ग्रेनेड ओपनिंग बनाते हुए मैक्स यहां पे बगी लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें काफी ज्यादा कंट्रोल तक अपने टीम को सर्वाइव करते हैं लेकिन ये स्लैमिन यहाँ पर आता है, फियर्स को वहां पर निकाल देगा लेकिन ये स्लैमिन एमजे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। शायद मेरे ख्याल से टीम रेमनेंट तैयार नहीं थी इस बैटल के लिए दूरी से, क्योंकि अभी तक मुझे देख रहा हूँ WSB के खिलाड़ी ज्यादा नजर आ नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ से एक बात देखा जाए, टीम ब्लाइंड को मौका मिल चुका है शायद यहाँ पर धावा बोलने का, तो क्या टैकल कर पाएगी? देखिए इससे पहले रेमनेंट वहां पर टैकल नहीं कर पाएगी, एस पावर का ये एग्रेशन, ये ओवर एग्रेशन के ऊपर पारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि एस पावर जी खात्मा कर दिया जाएगा। एक आखिरी होप बचे जरूर है पर एडमिनो, लेकिन उनका भी नॉकआउट। ओन वॉरियर जो अपनी टीम को यहाँ पर बचाते नजर आएगी लेकिन एडमिनो यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए इस धमाके के साथ उनका भी सफर खत्म हो जाएगा। अल्ट होने वाला यहाँ पे इनके लिए सर्वाइवल क्योंकि बाकी प्लेयर्स थोड़े से दूर है, शैडो को इनफैक्ट टेक डाउन कर दिया जाएगा, देखने को मिलता नजर। बट अभी के लिए एक्शन यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा उस एक्शन भरी गन के साथ, टीवीएस के साथ। वो यहाँ पर चार जरूर थे लेकिन शॉट मिस हुआ, लाइन है तो बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते यहाँ पर। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के भी कुछ खिलाड़ी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे लेकिन आर्कलेन उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। ट्रिपल कॉम्बैट, क्या ट्रिपल थ्रेट कॉम्बैट चल रहा है? जी हाँ, ट्रिपल थ्रेट कॉम्बैट यहाँ पर चलता रहेगा। निंजा बॉय को भी यहाँ पर कर दिया गया खास, शायद तीन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स शायद यहाँ हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहे। 14 टोटल फिनिशर निकाले गए, रॉनी को फिलहाल वहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। जोकर ट्राई करेंगे कवर में जाएंगे, व्हीकल स्टार्ट करेंगे निकलने का, होने वाले तो काफी ज्यादा। ओह नाइस, और ये जो स्प्रे था बहुत ज्यादा कमाल का, ब्लाइंड के जोकर जो फाइट को डिसएंगेज करके निकले थे सर्वाइवल पे। फिलहाल एनटीटी के सोमराज को फिलहाल वहां पे डाउन किया जाएगा, जॉनथन की तरफ से काफी अच्छा कंट्रोल, नॉक कर चुके हैं। टीम को अटैक है, जॉनथन का डोमिनेशन फिलहाल तो चल ही रहा है यहाँ पर लेकिन अभी कोशिश की जा रही कनेक्शन बनाने का, ट्राई करेंगे सी गॉडलाइक के सामने से सीक्रेट थे जो कि यहाँ पे बाहर करेंगे गॉडलाइक के। आखिरी हमला बॉय दूसरी तरफ डाउन कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक चांस था किंग को, ये नॉक निकालना चाहिए था, थोड़ा सा वहां पे डिले किया और इसका फायदा अपोनेंट उठा के चले जाते हैं। और अब सीक्रेट रहेंगे इकलौते प्लेयर, क्या सामने से इस व्हीकल को आते हुए व्हीकल को रोक पाएंगे? एजेस पे व्हीकल को चलाया जा रहा है, ये कुचल सकते हैं, जी हां कुचल दिया गया पुकार की तरफ से, ये काफी अच्छा कंट्रोल है। क्या यहां पे एक चिकन डिनर आता हुआ? कोई बात नहीं, टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स प्लीन और ब्लाइंड ऑफ एक्शन में आएंगे लेकिन यहां पे टीम गॉट लाइक विद द वेरी फर्स्ट फ्रैग ऑफ द लॉबी, जी गॉड की तरफ से आता हुआ M16A4 थी हाथ में, किस्मत ही साथ में और पहला फ्रैग भी आ चुका है। बल्लेसी क्या कंफर्मेशन आएगा कि नहीं? ऑक्टेवियस सामने, ट्राई आउट 3 ओपन में है, ऑक्टेवियस को भी शॉट जाते हुए, जी गॉड इज ऑन अ रोल। एक और शॉट की जरूरत है लेकिन ऑक्टेवियस गाड़ी को भी जिगल करके दौड़ा रहे हैं लेकिन यहाँ पे बची कुछ कसर जॉनथन करते हुए। जगह ये टम व्हीकल थी, ये मिनी व्हीकल थी शायद, जिसके कारण वो गति जो थी वो प्राप्त नहीं कर पाए। What just happened? पंके द्वारा कोई रिस्पॉन्स उस सबको भी आगाह करती है बट क्या इसकी जानकारी ऑनलाइन के पास है क्योंकि जॉनथन ने पहला अभी के नॉकआउट वहां पर निकाल दिया है। बट अभी भी AKOP HP ज्यादा नहीं है लेकिन ये क्या कर बैठे AKOP? इन्फॉर्मेशन आपको थी आपके सामने, यहाँ पर एक खिलाड़ी है एंड हेक्टर अलोंग विद अ ग्रेनेड, मॉली का इस्तेमाल किया गया। लेट्स सी मॉली से कुछ कमाल होगा, क्या एडिशन आएगा? लेकिन ये ग्रेनेड, ओ माय गॉड, ये हेक्टर का ग्रेनेड भी इसको करेगा डाउन। एक और झटका लगता हुआ बट इन रिटर्न ओमेगा इज ऑल्सो डाउन।
रिपीट, ओमेगा उठ चुके हैं, कप्तान साहब उठ चुके हैं, मैडमैन को भी शट डाउन करेंगे, नियो राइट अवे कंफर्म करेंगे और टीम सोल दो फ्राग निकाल चुके हैं और अब आखिरी खिलाड़ी टीम एट बिट के माइटी नजर आ रहे हैं। अक्षत डीबीएस स्लोली स्लोली मूविंग करते हुए लो एचपी पे थे बट हेक्टर का ग्रेनेड आज के दिन पे हेक्टर ग्रेनेडियर बनते हुए निकल ग्रेड बट ओमेगा को वहां पर रंगे हाथ पकड़ा गया फियर्स ने कि उंगली ऑन ट्रिगर एंड ही ट्राइड टू एस्केप बट जोनाथन के सामने से निकलना इतना आसान नहीं है। जोनाथन ट्रिगर को तो टेक डाउन किया लेकिन काफी दूर पे भी स्प्रे कर रहे थे और टेक डाउन किया है शैडो को राइट ऑफ द बैट शट डाउन करेंगे बट अब कई और कर रहे हैं लेकिन फिलहाल के नियो के ऊपर बिटर भराएगा गाड़ी से बचते हुए राइट मोस्ट ट्रक का जो एक एलिवेशन रहता है यहां पर लाइक वो जो एक व्हील बेस हम कह सकते हैं क्योंकि ये फाइट प्रॉपरली जाती हुई नजर आ रही है सामने है टीवीएस के पटके कहीं लग ना जाए नियो यही चीज का नुकसान उठाना पड़ा और अक्षत भी यहां पर उसी टीवीएस के जिन्हें टॉप 10 टीम इन द लॉबी 27 खिलाड़ी पे जीवित चलती बगी से यहां पर उतारा गया उस खिलाड़ी को ने स्लैमिंग देना यहां पर सही समझा टीम डब्ल्यूएचपी के सामने जरूर जाएंगे इस स्टेट पीक इस स्टेट पर करना स्टार्ट करने के लिए 1v2 दोनों तरफ से दोनों छोर से अभी के लिए प्रेशर बिल्ड करने के लिए कामयाबी लेकिन जोनाथन को यहां पर नॉकआउट लेकिन नेक्सन यानी आपके क्लच गॉड जहां तक लग रहा है कि शायद वो बचा पाए तो काफी मुश्किल लगेगा लेकिन पीछे से भी उनके ऊपर शॉट आ रहे हैं ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर क्योंकि एक बुलेट भी यहां पर उनको डाउन करा सकती है एक शॉट की बस वो करीबी यहाँ पर वो फाइट और निकालते हुए नजर आएंगे सीधा ही धावा बोलते टीम अलादीन के ऊपर देखिए फिलहाल के लिए टीम मेडल ईस्पोर्ट्स के पास काफी अच्छा एडवांटेज है मैन नंबर इनके पास है लेकिन सामने की तरफ टीम गॉडलाइक नजर आती हुई मेडल ईस्पोर्ट्स के अनकोर डाउन होते हुए जेनेसिस के प्लेयर 2 भी गए हैं हालांकि नियो डाउन हो चुका है बट विद द स्प्रे जोनाथन भी एलिमिनेट हो सकता है जरूर है यहाँ पर जाने से लेके स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कोशिश जरूर कर रहे हैं टॉप डॉग जंप लगाते हुए एक प्लेयर के ऊपर फोकस पाए ड्रॉप करने की कोशिश जरूर थी लेकिन उस पे फायदा नहीं मिलेगा एंड पब्लिक के विजेता हुए रोटेशन प्लान ड्रॉप क्लैश भी हां ड्रॉप क्लैश देखने को मिल रहा बट सर्कल एक सदन की बात करें तो एक वेस्टर्न सर्कल हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा टीमों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मिल जाएंगे इन प्लेयर की तरफ जी यहाँ पे फाइट भी होती है टीम सोल हेक्टर सामने की तरफ प्लेयर बट मैक्स काश यहाँ पे हेक्टर को शॉटगन से करेंगे डाउन बचे हुए खिलाड़ी पुश करेंगे वेक्टर हाथ में है अक्षत जाना चाहते हैं हेक्टर को बचाने के लिए लेकिन नॉक फिनिश अभी आया नहीं है अक्षत भी जाएंगे ओमेगा इन द मीन टाइम नॉक निकाला जरूर है बट फिलहाल के लिए टीम सोल बचाना चाहती है हेक्टर को ओ माय गॉड अक्षत यू शुड हैव पुश्ड देयर अक्षत ने पुश नहीं किया सामने सामने हेक्टर को कंफर्म कर दिया गया अक्षत आखिरी खिलाड़ी बचे ओमेगा इज डाउन नियो इज डाउन एंड टीम सोल इज इन बिग ट्रबल एट द मोमेंट हाथ में है AKM एंड चलिए यहां पे एक और प्लेयर को टेक डाउन करते हुए ओमेगा को तो बचा लेंगे डाउन करेगा और प्रिंस की बात की जाए क्या वो शैक की तरफ जाएंगे चलिए अभी तक तो वहां पे चीजें कंट्रोल में है बट कंट्रोल पे एक चीज नहीं है एक्सपार्क यहां पे एक-एक करके अपने खिलाड़ियों को गवा रहे सारे को डाउन किया गया उन्हें मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा बड़े आराम से उसके बाद पीछे से ये व्हीकल आता थोड़ा डिसबैलेंस हो गया यहाँ पे ब्लाइंड के खिलाड़ी और अब एस्पावर एक लौते खिलाड़ी है जो कि एटलीस्ट यहाँ पे मान्या को रिवाइव दे रहे हैं लेकिन को रिकवर करने का वहां पे मौका मिलता हुआ लेकिन ब्लाइंड को रिकवर करने का क्या मौका मिल पाएगा जी नहीं वो सामने से एक ग्रेनेड आया और वो ग्रेनेड में देखना चाहूंगा एक्चुअल में किसने किया था बट कुल मिला के एस्पावर ने शायद खुद पे वो ग्रेनेड कर लिया फ्रैग निकलेगा रिसीवर प्लेस का ग्रेनेड ओमेगा डाउन होते हुए सामने से ग्रेनेड दोबारा से डाला गया अक्षत द्वारा लेकिन लगा जरूर था ग्रेनेड लो एचपी पे हुए बट स्टिल ही इज सर्वाइविंग अक्षत पीछे से प्लेयर आए रिसीवर प्लेज कैन ओनली सी टू गाइस आईजीएल और इमॉर्टल फिनिश हो चुके हैं ऑक्टेवियस बी जेवेथ है ट्राई आउट लो एचपी पे ऑक्टेवियस लो एचपी पे दोनों खिलाड़ी लो एचपी पे हैं ऑक्टेवियस गेट्स आउट एंड देयर वी गो बॉस आ रही है पिछले मुकाबले में कैरी को टेक डाउन कर दिया जाएगा और जस्टिन भी यहां पे बात के तो डाउन कर दिया जाएगा मैटमैन की तरफ से डेल्टा पीसी गए बट डेल्टा पीसी भी यहां पे डाउन हो चुके हैं अब मुश्किलें बढ़ चुकी है क्योंकि डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर अकेले खिलाड़ी है क्या मॉली नहीं यहाँ पे मॉली आ जाएगा कनेक्शन काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज और सामने से कुछ शॉट्स आ रहे हैं बट उसके बाद भी क्या ये नॉक निकाल पाए जी हाँ इतने ज्यादा बुरे हालात में भी एक नॉक निकाले आखिरकार दूसरे एंगल से डायरेक्ट से जो कि रखे हुए थे और डेस्ट्रो को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा बट स्टिल देखिए मॉली का कनेक्शन होता है आपके ऊपर डैमेज कंटिन्यूअसली आता है बट उसके बाद भी आप एक खिलाड़ी को नॉक करके कवर में चले जाते हैं बट गॉड लाइक तीन खिलाड़ी एक साथ गिरते हुए देखने को मिले स्प्रे गॉड बाहर किसी ने भी नहीं सोचा था टीम गॉडलाइक सब कुछ सही जा रहा था प्लेयर्स की रोटेशन भी अच्छी जा रही थी
फ्रैग भी अगर देखा जाए तो आगाज नहीं हुआ था, लेकिन लग रहा था कि आखिर तक सर्वाइव कर जाएंगे तो टीम गॉड लाइक अच्छे अंक निकाल सकते हैं। लेकिन स्प्रे गॉड सीरियसली वो जॉर्ड ग्रेनेड एक बार जाते हैं, नियो मुझे लग रहा था धीरे धीरे सरकते सरकते हुए पहुंच जाएंगे सर्कल के अंदर, लेकिन वो स्प्लैश डैमेज एक नहीं दो प्लेस को नॉकआउट करा बैठ। मैडमैन के इस ग्रेनेड के प्रहार से बचना काफी मुश्किल है कि नहीं, लेकिन रेवेनेंट आखिर जरूर निकलेंगे। मैडमैन का वो स्प्रे शायद हो सकता है कि दो प्लेस को टाउन करते नजर आ जाए। जी हाँ, निकाला जोड़ लेकिन रेवेनेंट शायद वो भी एक और शॉकिंग एक्सिट के हाथ निकले कितने नजर आएगी। लेकिन ट्रिपल ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं अंकल, बहुत कमाल का 17 का डैमेज, 18 का डैमेज, क्या नॉक्स निकल सकता है। बट सामने से जो ग्रेनेड आया वो बिल्कुल ऑन पॉइंट एलिमिनेट किया जाएगा WSB को, और अब दो टीमों के बीच मुकाबला बचा हुआ है जहां पे 8-bit के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। अगर यहाँ पे टीम हालात जिनको इस बात का अंदाजा है तो अभी उनके तरफ से वो स्लैम इन जाता है तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं 8-bit की टीम, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे खिलाड़ी नॉक्ड है, अलादीन को इस बात का अंदाजा लग चुका है, सामने जा रहे हैं सारे ही खिलाड़ी, इनफैक्ट यहाँ पे सामने की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या वो कंफर्मेशन निकालने में कामयाब हो सकते हैं? जी हाँ, एक नॉक निकाला गया 8-bit माइटी की तरफ से, स्प्रे गॉड जो पीछे रुक के हाइट में अपने आप को रोक के रखे थे उन्हीं को सबसे पहले डाउन करे। तो जी हाँ, ये चेहरे अभी ग्लैडिएटर्स और टीम 8-bit के बीच वाली चीजों पर ज्यादा हम ध्यान दें। इनफैक्ट दो चिकन्स भी यहाँ पे इस पेज में 12-12 मैचेस यहाँ पे दोनों ही खेले, 26 फिनिशेस हमें इस पावर के पास देखने को मिलेंगे।